मिलते धन के प्रभाव की चर्चा कोई नई बात नहीं है, सौ से होगी। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज तो नहीं होगी। काले धन और काली कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाए। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिल जाएगी। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है, अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ
10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, वो पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। आते हैं आज समय हमें फिर से एक अवसर दे रहा है। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। बहनों और भाइयों, आपसे इस प्रक्रिया में जितना सहयोग मिलेगा, शुद्धिकरण उतना ही सफल होगा। देश के लिए यह चिंता का कारण था कि भ्रष्टाचार और काले धन को जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था। यह सोच आज हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रहा है। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। समय समय पर हमने देखा है कि भारत के सामान्य जनमानस को अगर भ्रष्टाचार और कुछ दिनों की असुविधा में से एक को चुनना हो तो बेहिचक, मैं कहता हूं बेहिचक, मेरे देश का ईमानदार नागरिक असुविधा को तो चुनेगा लेकिन भ्रष्टाचार को कदापि नहीं चुनेगा। आपसे मैं फिर एक बार आवाहन करता हूं कि आइए, जैसे आपने दिवाली के पर्व में अपने घर और आस पड़ोस की सफाई की, वैसे ही सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए हम इस महायज्ञ में अपनी भी कुछ आहुति डालकर इसे सफल बनाएं। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में असुविधा को ध्यान में न रखते हुए आइए सभी शुचिता की दिवाली मनाएं। पूरे विश्व को भारत की इस ईमानदारी का उत्सव दिखाएं। पूरे देश में प्रामाणिकता का पर्व मनाएं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, काले धन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्त नाबूद कर सके, जिससे कि देश का धन गरीबों के काम आ सके। हर ईमानदार नागरिक को देश की संपन्नता में उसकी उचित हिस्सेदारी मिल सके।
आने वाली पीढ़ी गर्व से अपना जीवन जी सके। मैं आप सबके सहयोग के लिए पूरे विश्वास के साथ 125 करोड़ देशवासियों की मदद से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहता हूं।